लास्ट क्लास में तो तुम्हें टॉपिक समझाया था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझाया था बेटा कि हर चार्ज के चारों तरफ, फिर समझ लो, हर चार्ज के चारों तरफ एक जगह होती है जहां पर हम चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं और नेक्स्ट पार्ट को समझाऊं तो आपको ये भी समझाया था कि हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ ए। तो आपको समझाया था कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो वहां पे क्या रखो, टेस्ट चार्ज। और जैसे हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो क्या फील करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और वो यहाँ पे जितनी भी फोर्स फील करेगा उतनी ही यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे बेटा, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसका एक न्यूमेरिक फॉर्मूला भी हम लोगों ने बनाया था, और फॉर्मूला था बेटा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स अ क्यू अपॉन मी आर स्क्वायर। आपको और समझाया गया था अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें सिर्फ दो चीजें मालूम होनी चाहिए बेटा, एक क्या बेटा चार्ज और एक क्या। देख बेटा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर अमाउंट फाइंड करना है तो हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए, एक होता है चार्ज और एक होता है चार्ज से डिस्टेंस। अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको समझाया गया था लास्ट क्लास में। अब इससे आगे बेटा प्रोसीड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लंबा पार्ट है, काफी लंबा पार्ट में लिंक होकर चलता है पार्ट। एक छोटा सा पढ़ा मैं और समझना है बेटा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद फिर हम दो डेरिवेशन करेंगे, देन अगेन टेक द न्यूमेरिकल्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। देख बेटा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज ले रहा हूँ बेटा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब अपोजिट, यानी कि कभी भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, लाइन को रट जाओ, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, जैसे बेटा डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू और डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू, बोथ आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, यानी कि एक माइनस का हो गया और एक प्लस का हो गया। तो कभी भी अगर हम दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को सेपरेट कर दें by a certain small distance, by क्या बेटा certain small distance, then form a dipole, that's called electric dipole। फिर दोबारा समझो, अगर टीचर आपसे पूछे कि what's the electric dipole तो आप उसे क्या बोलेंगे, when the two equal and the opposite, बड़े ध्यान से नोट्स बनाना, when two equal and the opposite charges, when two equal and the opposite charges are separate by a certain small distance, when two equal and the opposite charges are separate by a certain small distance, then form a dipole called electric dipole। मीनिंग को समझ लो, रटना नहीं, रटेगा तो ऊपर से निकल जाएगा। अगर मेरे मुंह से वर्ड निकलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप यही समझेंगे सर, कभी भी दो इक्वल और अपोजिट, फिर से बोल रहा हूँ, टू इक्वल एंड द अपोजिट, जैसे माइनस टू माइक्रोकूलम, प्लस टू माइक्रोकूलम, माइनस थ्री माइक्रोकूलम, प्लस थ्री माइक्रोकूलम, आर सेपरेट बाय ए सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस। तीन वर्ड है, पहला वर्ड क्या बेटा सर्टेन, दूसरा का मतलब क्या बेटा स्मॉल, यानी कि बेटा स्मॉल डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं कि आप गैप बहुत ज्यादा कर दो तो डाइपोल नहीं बनेगा। इस स्मॉल का मतलब है कि जब तक इनमें अट्रैक्शन है तब तक डाइपोल रहेगा, अट्रैक्शन खत्म तो डाइपोल खत्म। फिर समझ लो, सर्टेन स्मॉल, जब तक इनके अंदर अट्रैक्शन है तब तक डाइपोल रहेगा, अट्रैक्शन खत्म तो डाइपोल खत्म। जैसे एक चार्ज को आपने यहां रखा और एक चार्ज को आपने यहां रखा, इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो दैट्स नॉट ए डाइपोल। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, जब तक अट्रैक्शन मेंटेन है तब तक डाइपोल रहेगा, अट्रैक्शन खत्म तो डाइपोल खत्म। तो इसे लर्न कर लो, व्हेन टू इक्वल एंड द अपोजिट charges are separate by a certain small distance, then form a dipole। इसे पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। अब इसके मीनिंग को और हम क्लैरिफाई करते हैं बेटा, अगर मेरे मुंह से वर्ड निकलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप सिर्फ यही समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा, कि कभी भी दो इक्वल और अपोजिट, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट कर दें बाय ए सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, ये हमेशा कहते मानते हैं बेटा ट्वाइस ऑफ ए, कितना मानेगा ट्वाइस ऑफ ए। इसका फायदा क्या होता है बेटा, अगर हम इसे ट्वाइस ऑफ ए मानते हैं तो इसका हाफ सेपरेशन डेट्स अ ए और डेट्स अ ए, तो हमारा कैलकुलेशन इजीली हो जाता है।
तो कोई भी टीचर बोलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो रट जाओ कि कभी भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट करें बाय स्टार्टिंग स्मॉल डिस्टेंस देन फॉर्म ए डाइपोल। तो इसे ऐसे करके समझ सकते हैं बेटा कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेंगे, ये आपको बहुत डीप जाकर पढ़ना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आज। डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू, डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू और सेपरेशन कितना मानेगा ट्वाइस ऑफ ए, डेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके ऊपर तीन क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन लेगा वो फर्स्ट क्वेश्चन ये लेगा बेटा कि व्हाट्स द डायरेक्शन, रटना नहीं ये लाइन को समझना कि व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, रट जाओ कि व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका आंसर है ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका भी एक लॉजिक है कि इसके डायरेक्शन को नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों मानते हैं। बेसिकली बेटा हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या होता है, व्हाट होता है करंट, और करंट हमेशा फ्लो करता है माइनस से प्लस। ड्यू टू दिस रीजन वी विल टेक द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द फिजिक्स, रट जा बिल्कुल, इन द फिजिक्स डायरेक्शन हमेशा क्या मानेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। वैसे कोई पूछता नहीं है फिर भी कोई पूछ रहे कि क्यों माना, तो आप उसे लॉजिक यही बोलना कि सर एक वर्ड है करंट और करंट हमेशा फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ड्यू टू दिस इन द फिजिक्स द डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर वो यहां से हट गया तो नया क्वेश्चन और पूछ सकता है बेटा, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट्स द आइडियल डाइपोल, लिखना बहुत ढंग से नोट्स बनाना, व्हाट्स आइडियल डाइपोल। तो बेटा आइडियल डाइपोल का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें चार्ज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो और बीच के सेपरेशन की वैल्यू कम से कम हो, दैट्स कॉल्ड आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल का मतलब हुआ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन दिस द वैल्यू ऑफ चार्जेस इज मैक्सिमम एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज मिनिमम, देन इट इज कॉल्ड आइडियल। देखिए बेटा जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब समझो बेटा, एक वर्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मीनिंग सबके दिमाग में आ चुका है कि सर डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू और डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू और सेपरेशन कितना मानेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ ए, दैट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका डायरेक्शन क्या मानेगा फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव। दूसरा वर्ड को पूछे कि व्हाट्स आइडियल डाइपोल, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही नाम आइडियल डाइपोल होता है पक्का, जब चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम हो और उसके बीच का सेपरेशन मिनिमम हो। पर उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि व्हाट्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इट इज सिंप्लाइज बाय पी, सिंप्लाइज बाय पी और ये होता क्या है बेटा, दैट्स द क्यू इनटू मी ट्वाइस ऑफ ए, फिर समझो क्यू इनटू मी ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या आइदर चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, फिर समझ लो। कोई पूछे कि व्हाट्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। अब होता क्या है बेटा कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक एक लाइन को समझना, द इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव द डायरेक्शन, आपको अभी समझाया गया था कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव द डायरेक्शन कहां से कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है आपको लॉजिक आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसे कभी भी अगर रिप्रेजेंट करेंगे दैट्स अ पी ऑफ वेक्टर और दैट्स अ क्यू इनटू मी ट्वाइस ऑफ ए, दैट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज या आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे क्या आएगा वेक्टर और यहां पे क्या आएगा बेटा वेक्टर, क्योंकि स्केलर और ये वेक्टर को स्केलर को अगर वेक्टर से करेगा तो वेक्टर ही आएगा, इसलिए यहां पे मैं क्या फॉर्म करना पड़ेगा वेक्टर। अब इस वर्ड के ऊपर बेटा दो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, उन वर्डों के ऊपर सम अप कर लें। अगर पहला वर्ड सिखाया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है बेटा कभी भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट कर दें बाय स्टार्टिंग स्मॉल डिस्टेंस देन फॉर्म ए डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। दूसरा वर्ड व्हाट्स आइडियल डाइपोल, तो आइडियल डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है पक्का, जब चार्ज की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो और बीच का सेपरेशन कम से कम हो।
अगला वर्ड और चला जाएगा तो बोलेगा व्हाट्स द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो सिंबलाइज बाय पी, और पी इज इक्वल टू क्यू इनटू मी ट्वाइस ऑफ ए, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल हैव द डायरेक्शन। अब इसके दो न्यूमेरिकल्स देखो बेटा, फिर आगे लेंगे बेटा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन है कि दो चार्जेस हैं q1 इज द 2 माइक्रोकूलम और q2 इज द -2 माइक्रोकूलम, और कहां पे रखे हैं आपको मेंशन है। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा, 0 0 एंड 4 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले का 0 0 एंड -4 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन को फिर समझ लो, मेरे पास दो चार्जेस, एक का वैल्यू ये और एक का वैल्यू ये, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स मेंशन है कि फर्स्ट वाला यहां प्लेस है और सेकंड वाला यहां प्लेस है, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स के वेटेज का होगा, बहुत होगा तो 2 मार्क्स के वेटेज में आ जाएगा। तो इसमें पहले ही समझो कि चार्जेस रखे कहां पे हैं, एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0, जेड कितना बेटा 4 सेंटीमीटर, यानी कि द फर्स्ट चार्ज इज प्लेस ऑन द प्लस ऑफ दैट एक्सिस एंड द सेकंड चार्ज इज प्लेस ऑन द माइनस ऑफ जेड एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले इस क्वेश्चन में अगर हम डायग्राम बेटा फॉर्म कर लें, डायग्राम बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। इस डायग्राम में सपोज करें दैट्स एक्स एक्सिस, दैट्स द जेड एक्सिस, और दैट्स द वाई एक्सिस, दैट्स द प्लस ऑफ एक्स, दैट्स द प्लस ऑफ जेड, और दैट्स द प्लस ऑफ वाई। दैट्स द प्लस ऑफ जेड तो कंफर्म दैट्स द माइनस ऑफ जेड। कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेगा 004 सेंटीमीटर। अगर 004 की बात करेगा, दैट्स द 1 2 दैट्स द 3 और दैट्स द 4, यानी कि द कोऑर्डिनेट्स आर द 00 एंड द 4 सेंटीमीटर। और यहां पे कौन सा चार्ज प्लेस है बेटा, दैट्स द प्लस 2 माइक्रो कूलम, and the second charge is placed at the coordinates of 0 0 and minus 4 centimeter, minus 4 centimeter, यानी कि नीचे 1 2 3 and the 4, x पे 0, y पे 0, z पे कितना minus 4, तो उसका coordinates क्या बनेगा बेटा, 0 0 and the minus 4 centimeter, और यहाँ पे charge place है बेटा minus of 2 micro coulomb, that's the diagram। और हमसे कहा गया बेटा कि find the value of the electric dipole moment, एकदम साफ दिख रहा है सर कि इस डायग्राम में दो चार्जेस हैं और दोनों कैसे हैं बेटा, इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि दैट्स अ -2 और दैट्स अ +2, तो दैट विल फॉर्म अ डाइपोल, और जो बीच का सेपरेशन है दैट्स टेकन ट्वाइस ऑफ ए। बिल्कुल लॉजिकल डायग्राम है, आपको आ गया होगा। अगर हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो सिंबलाइज दैट्स अ पीओ वेक्टर और दैट्स अ क्यू इनटू मी ट्वाइस ऑफ ए, यही तो समझाया था बेटा। और यहां बोला था नॉट द चार्ज, दैट्स अ आइदर चार्ज, कोई भी ले लो, अगर माइनस लेगा तो मैग्नीट्यूड ले लेना वरना प्लस ही ले लो। अगर आइदर चार्ज यानी कि दैट्स अ 2 इनटू में, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, इस वाले पार्ट में वहां पे जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, दैट्स अ पी ऑफ वेक्टर और दैट्स अ क्यू इनटू में ट्वाइस ऑफ ए, और क्यू का वैल्यू यानी कि चार्ज आइदर चार्ज, अगर आप माइनस ले रहे हैं तो क्या लेना मैग्नीट्यूड वरना प्लस ही ले लो। दैट्स अ 2 माइक्रो यानी कि 2 इनटू 10 का पावर -6 और दैट्स अ ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि सेपरेशन, ऊपर का सेपरेशन दैट्स अ 4 सेंटीमीटर और नीचे का सेपरेशन दैट्स अ 4 सेंटीमीटर, तो चार ये और चार ये, तो बीच का टोटल सेपरेशन कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इसको यहां पुट करेगा दैट्स अ 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 इनटू 10 का पावर -2, प्रॉपर सॉल्व करने पे दैट्स अ 16 इनटू में 10 का पावर -8 एंड द चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम और हाइफन और दैट्स अ मीटर, कूलम और सेंटीमीटर, दैट्स अ कूलम हाइफन और दैट्स अ मीटर, दैट्स अ कूलम और दैट्स अ मीटर। So that's the value of the electric dipole moment। अब इसके बाद जो next question ले रहा हूँ बेटा, वो बड़ा important question है, बहुत पुराने जमाने में वो question competition आ चुका है, उस question को एक बार और समझना। वो question अगर आ गया तो मजा आ जाएगा। वो question ये है मेरा बेटा, बहुत logical question है। हमें diagram ऐसे बेटा mention होगा, that's the plus of q, that's the again बेटा plus of q, और that's the minus of 2q, और ये भी कितना है a, और ये भी कितना है a, और ये भी कितना है बेटा a। और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन आया सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए मुझे डाइपोल चाहिए, और डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं 2, और दोनों कैसे इक्वल एंड अपोजिट, जो कि इसमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए सर -2। अगर -2 होगा तो बात हो पाएगी, अगर -2 क्यू तो कैसे होगा, क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, दोनों कैसे होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, जो कि हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। तो एक चार्ज है बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज होता है, अगर चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, फिर समझ लो चार्ज इज क्या, एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज का नेचर अगर एडिटिव है तो इस क्वेश्चन को वैसे मेंशन कर सकते हैं। एडिटिव का मतलब हुआ बेटा कि दोनों का सम हम लोग कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे बॉडी है, एग्जांपल के फॉर्म में ले लें, इस बॉडी को मैंने पहले चार्ज कितना दिया बेटा 2 माइक्रोकूलम, इससे पहले से है, अगर मैं इस 2 माइक्रोकूलम को अगर 3 माइक्रोकूलम चार्ज और दे दूं तो इसका पूरा चार्ज कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम,
यानी कि द चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो इसको प्रॉपर्टी को यूज करते हैं बेटा, दैट्स अ माइनस ऑफ 2q. अगर ये माइनस ऑफ 2q है तो वी कैन से दैट्स अ माइनस ऑफ q, और दैट्स अ माइनस ऑफ q दैट विल बिकम अगेन ट्वाइस ऑफ q. पर इससे बेटा फायदा क्या हुआ कि मुझे डाइपोल नजर आ गया. डाइपोल, अब देखो बेटा, डाइपोल एक दिखा या दो दिखे, तो हमें इसमें दो डाइपोल नजर आए. दैट्स अ सेपरेशन ऑफ ए, दैट्स अ सेपरेशन ऑफ ए, दैट्स अ सेपरेशन ऑफ ए. इस डायग्राम को देखने पे कोई डाइपोल नजर नहीं आ रहा, तो दिमाग में आएगा सर डाइपोल में तो निकल ही नहीं बेटा, पर यहाँ पे कितना बेटा माइनस ऑफ 2q. तो इस वाले माइनस ऑफ 2q को बेटा बाय द प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ q, दैट्स अ माइनस ऑफ q. तो इसके लगने से सर दैट्स अ नेगेटिव, दैट्स अ पॉजिटिव, दैट्स अ फर्स्ट डाइपोल और दैट्स अ सेकंड डाइपोल. तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट डाइपोल, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डाइपोल, और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड डाइपोल. अब सोचो बेटा डाइपोल एक है दो है, तो इसमें डाइपोल बन गए दो, एक ये वाला और एक ये वाला. अब देखो बेटा इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और इस पार्ट का जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट दैट्स अ पी ऑफ वन, दैट्स अ चार्ज, आइदर चार्ज तो कोई भी लेके चल सकते हैं, दैट्स अ क्यू, और साथ में सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, दैट्स अ क्यू इनटू में ए, और दैट्स अ वेक्टर, और दैट्स अ वेक्टर. That's a dipole moment of the first dipole. In the same way, अगर हम इसका find करें dipole moment, that's a p of two vector, or that's a q, and the separation between these two charges, तो again that's the a. अब हमारा question ये कहता है बेटा कि find the value of electric dipole moment. तो पहले एक बार दोबारा से repeat करो question को. हमें diagram mention था और हमसे question में कहा गया बेटा कि what's the value of the electric dipole moment. तो पहले तो यार dipole ढूंढो, dipole है या नहीं है. तो दिमाग में आया डेट्स माइनस टू क्यू और डेट्स अ प्लस क्यू, डेट्स अ प्लस क्यू, तो बाय द प्रॉपर्टी मैंने इसे क्या लिखा, माइनस क्यू, डेट्स अ माइनस क्यू. तो इससे फायदा क्या हुआ बेटा कि इसमें दो डाइपोल बन गए, डेट्स अ फर्स्ट डाइपोल और डेट्स अ सेकेंड डाइपोल, और इस डाइपोल की ये मोमेंट है और इस डाइपोल की ये मोमेंट है. अब दिमाग में नया बना गया कि सर ये भी वैक्टर और ये भी वैक्टर, तो पुरानी क्लासेस को फॉलो करो, अगर ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो नेट रिजल्ट जो भी होता है इस नाइदर गिवन बाय फर्स्ट नॉर गिवन बाय सेकंड, इट इज गिवन बाय द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड. तो दैट्स द रिजल्टेंट, दैट्स द रिजल्टेंट ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट. यानी कि अगर मुझे टोटल डाइपोल मोमेंट अगर फाइंड करना है, तो वी विल नॉट फाइंड द फर्स्ट मोमेंट, विल नॉट फाइंड द सेकंड मोमेंट, वी विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड. अगर रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड करेगा तो वही पुराना फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. तो यहां पे रिजल्टेंट मोमेंट फाइंड करेगा पी, तो दैट्स द रूट ऑफ के, दैट्स द बेटा पी ऑफ 1 का स्क्वायर, दैट्स द पी ऑफ 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी ऑफ 2 का स्क्वायर, और प्लस में ट्वाइस ऑफ पी 1, दैट्स द पी 2, और दैट्स द कॉस एंगल बिटवीन पी 1 एंड द पी 2. आपको साफ दिख रहा है कि दैट्स द पी 1, दैट्स द पी 2, और दैट्स द इक्विलेटरल. तो इसके बीच का एंगल क्या बना बेटा 60 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा बेटा cos 60 डिग्री. पुरानी क्लासों में चल जाओ, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है बेटा, उस वाले हाफ से ये वाला दो कट हो जाएगा. सो द नेट डाइपोल मोमेंट, दैट्स द बेटा p1 का स्क्वायर और प्लस में कितना है बेटा p2 का स्क्वायर और प्लस का p1 और इनटू में p2. अब चेक करो क्या p1 का अमाउंट p2 के अमाउंट के बराबर है. हाँ जी, दोनों बराबर है. तो अगर इसे फर्दर सॉल्व करने पे लाएंगे बेटा तो क्या बोलेगा, p1 = p2, तो देखते हैं दैट्स p1 का स्क्वायर, दैट्स अगेन p1 का स्क्वायर, दैट्स अगेन p1 का स्क्वायर, मतलब थ्राइस ऑफ p1 का स्क्वायर. सो द नेट डाइपोल मोमेंट इज द रूट 3 टाइम्स ऑफ p1. सो द नेट डाइपोल मोमेंट इज द रूट 3 और दैट्स q * में a. दैट्स द आंसर. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, और सीबीएसई लेवल पे भी क्वेश्चन आया करते हैं. हमसे बोला गया क्वेश्चन में डायग्राम मेंशन है, फिर से रिपीट कर लो. और क्वेश्चन था बेटा कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो देखो ये डायग्राम मेंशन था, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में डाइपोल ढूंढना है. तुम्हारे दिमाग में ऐसा दो इक्वल अपोनेंट तो नजर ही नहीं आ रहे, तो हमारे दिमाग में वर्ड आ गया कि दैट्स माइनस ऑफ 2q, और उसका माइनस ऑफ 2q को बेटा बाय द प्रॉपर्टी लेकिन दैट्स माइनस 2, दैट्स माइनस 2. अगर ऐसा है तो इसमें दो डाइपोल दिखेगा, दैट्स नेगेटिव से पॉजिटिव और अगेन दैट्स नेगेटिव से पॉजिटिव. That's the first dipole, that's the second dipole, that's the dipole moment of first dipole, or that's the dipole moment of the second dipole. But the net dipole moment is neither given by P1 nor given by P2. It is given by the resultant of the P1 and the P2. आप इसे आराम से कर पाएंगे. अब किसी क्वेश्चन में अगर टीचर आपको घुमा दे और बोले कि that's the minus of 3q, तो बोलना भैया मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मैं इसे कर नहीं पाऊंगा.
तो किसी भी कंडीशन में डाइपोल फॉर्म नजर नहीं आए। बेटा भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बेटा अब तक आप दो बार समझ चुके हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। दूसरा और बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल आप समझ चुके हैं, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट कर दें बाय द सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, देन फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। पर क्वेश्चन है सर एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग और देखें बेटा। तो सपोज करें बेटा दैट्स अ डाइपोल, दैट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, बड़ा दिमाग लगाना, रटना नहीं बेटा कहीं भी। दैट्स अ माइनस ऑफ क्यू, दैट्स अ प्लस ऑफ क्यू, और सेपरेशन हमेशा कितना मानेंगे बेटा, ट्वाइस ऑफ ए। दैट्स अ ए और दैट्स द बी। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि दैट्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दिमाग में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और कहां पे निकालना है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो बेटा एक्सियल लाइन का मतलब होता है बेटा ऑन द सेम लाइन, फिर समझिए ऑन द सेम लाइन, फिर से बोल रहा हूं ऑन द सेम लाइन, दैट्स अ डाइपोल और दैट्स द एक्सियल लाइन, दैट्स एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन के ऊपर आप यहां पे निकालेंगे तब भी एक्सियल, यहां निकालेगा तब भी एक्सियल, यहां निकालेगा तब भी एक्सियल, और यहां निकालेगा तब भी एक्सियल। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको ऐसे करके समझ लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक टॉपिक आ गया तभी कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम फिर समझो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे व्हाट्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लंबा सा डेरिवेशन है, जो तरीका समझाया है उस तरीके से आप इसे करते जाएंगे तो जल्दी निपटा पाएंगे। देखिए बेटा टॉपिक को, टॉपिक था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन का अमाउंट कितना होगा। लंबा डेरिवेशन है, मैं बोलता रहूंगा आप उसे लिखते रहना। आप सबसे पहले क्या होंगे बेटा, डाइपोल जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना। आपने डाइपोल माना, डेट्स अ माइनस ऑफ क्यू और डेट्स अ प्लस ऑफ क्यू, और सेपरेशन कितना माना बेटा, ट्वाइस ऑफ ए और डेट्स अ ए और डेट्स द बी, डेट्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्स द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी सर इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेट्स अ क्वेश्चन। तो आपको अभी समझाया था सर एक्सियल का मतलब होता है ऑन द सेम लाइन। तो आप यहाँ मान लें, 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 आप कहीं भी मान लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने एक पॉइंट पी माना ऑन द एक्सियल लाइन, पॉइंट पी कहाँ पे माना, ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। टॉपिक का नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ, टॉपिक का नाम था कि व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपने सबसे पहले क्या माना, डाइपोल, डाइपोल का नाम AP और लंबाई कितना माना, ट्वाइस ऑफ A। अब इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा एक्सियल वर्ड का मतलब होता है ऑन द सेम लाइन, तो आपने पॉइंट पी मान लिया और कहां पे माना, ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर। तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट क्या मार्क करेंगे, फर्स्ट पॉइंट लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम क्या रखा, AB ऑफ लेंथ 2a, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2a, आपने डाइपोल मान लिया और लंबाई कितना माना, ट्वाइस ऑफ a। अगला पॉइंट आपने क्या लिखा बेटा, टेक ए पॉइंट P, टेक ए पॉइंट कहां पे, ऑन द एक्सियल, टेक ए पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा दिमाग लगा लगा के समझना, टेक ए पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, फिर समझो एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर एट विच, at which the electric field intensity, फिर समझो at which the electric field intensity is to be find out, at which the electric field intensity is to be find out। बड़ा मस्त तरीका समझाऊंगा, जैसे समझा रहा हूँ वैसे इसको समझना।
टॉपिक का नाम था बेटा फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मेरे दिमाग में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट। तो मैंने सबसे पहले क्या माना, डाइपोल ए बी नाम रखा, लंबाई कितना माना ट्वाइस ऑफ ए, फिर मैंने पॉइंट पी मान लिया, कहां पे, ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर एट व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। अब मेरे दिमाग में आ गया कि सर यहां पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैं आपको 50 बार समझा चुका हूं कि जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, वापस सिंपली क्या प्लेस करो, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को रख दो और दास को पकड़ लो, अपने आप आंसर निकल जाएगा, चाहे क्वेश्चन हो या डेरिवेशन हो। तो अगर हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है बेटा, तो यहां पे मैंने क्या प्लेस करा, डिस्चार्ज। क्या प्लेस करा बोले, डिस्चार्ज। जैसे हम यहां पे डिस्चार्ज को रखेंगे, तो रखने के बाद ये प्लस इसको रैपल करेगा और ये माइनस इसको पकड़ के खींचेगा, यानी कि दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, प्लस वाले को रैपल करेगा और माइनस वाला इसे पकड़ के खींचेगा, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। रटना नहीं, फिर वाला समझ लो। आपको यही समझाया गया कि जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, वहां पे सिंपली क्या प्लेस करो, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को रखो और दास को पकड़ लो। डिस्चार्ज को रखा और सबसे पहले क्या निकाला, डायरेक्शन तो प्लस वाला, डिस्चार्ज तो प्लस ही होता है, तो प्लस वाला इसको रैपल करेगा, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, मतलब मेरी डायरेक्शन निकल गई। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, अमाउंट। अगर हम अमाउंट की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, डायरेक्शन को निकाल चुके हैं। अगर हम अमाउंट की बात करें, दैट्स द ई ऑफ ए, ई ऑफ ए का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। और आपको दबा के समझा दिया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सिर्फ दो चीजें पता होना चाहिए, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस। तो अगर हम ए वाले का फील्ड फाइंड करेंगे बेटा, तो 1/4πε0 और यहाँ पे ए वाले का चार्ज, ए वाले का चार्ज और ए से डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस, तो ए पे चार्ज कितना प्लेस है, माइनस ऑफ क्यू। फिर समझो कितना, माइनस ऑफ क्यू। मैं माइनस नहीं लूंगा, बार बार समझा रहा हूं, क्या लूंगा, क्यू। क्या लूंगा बेटा, क्यों, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। तो चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, यानी कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो आपको साफ दिख रहा है कि सर ये सेपरेशन तो आर ही हो गया और दैट सेपरेशन इज द ट्वाइस ऑफ ए, तो ये वाला पार्ट ए बन जाएगा। तो इस पार से उस पार तक की दूरी दैट्स द आर प्लस ए का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से आ गया होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस जहां पे फाइंड करना है, अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये चार्ज है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज से यहाँ तक की दूरी, तो दैट्स द आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इन द सेम वे अगर हम फाइंड करेंगे ई ऑफ बी, यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, अगर हम इस वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं तो दैट्स द 1/4πε0 और यहाँ पे बी वाले का चार्ज, बी वाले का चार्ज और बी से उस पॉइंट तक की दूरी, तो बी पे कितना चार्ज प्लेस है, प्लस ऑफ क्यू, यानी कि दैट्स द क्यू, और चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, यानी कि हमको सिर्फ ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी हमें नहीं चाहिए। और आपको साफ दिख रहा है कि दैट्स द ए, दैट्स द ए, तो इस वाले आर में से ए को माइनस कर दोगे तो ये सेपरेशन कितना आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था तो यहाँ पे हमने पहले क्या प्लेस करा, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को रखा और दास को पकड़ लिया, तो भैया प्लस वाला इसको रैपल करेगा और माइनस वाला इसे पकड़ के खींचेगा, तो दैट्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, कंफर्म दीस टू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरे दास वाले ने क्या बोला कि सर डायरेक्शन निकल गया, अब अमाउंट ऑफ निकाल लो। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए फाइंड करें तो ए वाले का चार्ज और ए से पी तक की दूरी, ए से पी तक की दूरी, तो ए पे चार्ज कितना, माइनस क्यू, बार बार बोल रहा हूँ माइनस नहीं लूंगा, सिर्फ क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड, तो दैट्स अ क्यू, और चार्ज से डिस्टेंस, अगर बी वाले का फाइंड करेगा तो चार्ज और चार्ज से डिस्टेंस, तो दैट्स आर माइनस ए और दैट्स आर प्लस ए। तो मेरा डायरेक्शन भी निकल गया और मेरा अमाउंट भी निकल गया। अब मुझे सोचना है, अब सोचना क्या है बेटा, कि इनको प्लस करूं माइनस करूं या रिजल्टेंट निकालूं, तो खुद सोचो कि दिस टू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द रिजल्टेंट, निकालूं प्लस करूं या माइनस करूं, तो आंसर आएगा सर माइनस करूं। तो इस वाले बात को अगर हम फर्दर सॉल्व करें बेटा,
तो हम ये कहेंगे सर E ऑफ A, फिर समझो बेटा E ऑफ A एंड द E ऑफ B आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, आर इन द सेम अपोजिट, तो दीज टू आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वैसे आप इसे माइनस ही करेंगे, अगर इसे माइनस करेगा तो कम में से ज्यादा या ज्यादा में से कम, तो आंसर आएगा सर ज्यादा में कम, तो एक काम करो दोनों को लिख लो यार, अगर E of A का अमाउंट लिखेगा तो that's a 1 upon 4 pi epsilon naught और that's a Q upon में A वाले का distance, that's a R plus A का whole square, ऐसे अगर E of B को mark करेगा तो that's a 1 upon 4 pi epsilon naught और that's a Q upon R minus A का whole square, बिल्कुल आँख से देखो आपको दिख जाएगा कि सर B वाले का electric field ज़्यादा है और A वाले का electric field कम है, क्योंकि ये दोनों में constant है, दोनों में same है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों में सेम है, तो जिसका डिस्टेंस कम है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो बेटा बी वाले का डिस्टेंस कम है तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और ए वाले का डिस्टेंस ज्यादा है तो ए वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो आपने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बी वाले का ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले का कम होगा, तो हम इसे लेके यहां पहुंचे कि ई ऑफ ए एंड द ई ऑफ बी आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो कंफर्म इसे माइनस ही करेंगे और माइनस किस में से ज्यादा में से कम, तो आपको समझा दिया कि ई भी ज्यादा और ए कम, अगर अब हम फाइंड करते हैं बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल साफ दिख गया कि सर दैट्स ई ऑफ बी और माइनस का ई ऑफ ए, फिर समझे ई ऑफ बी और माइनस का ई ऑफ ए, अगर ए बी और इसी को माइनस करेगा तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा बेटा और दैट्स अ 1 अपॉन में ई बी यानी कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर और दैट्स अ माइनस और दैट्स अ 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एक सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी, अगर हम इसे और बेटा सिंपलीफाई करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो दैट्स द r माइनस a का होल स्क्वायर और दैट्स द r प्लस a का होल स्क्वायर और यहां पे ये वैल्यू यहां पे आ जाएगा और यहां पे आने के बाद इसे ओपन करेगा तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का ट्वाइस ऑफ ar, प्लस का ट्वाइस ऑफ ar और यहाँ बेटा माइनस ये वैल्यू यहाँ पे आएगा और इसका स्क्वायर को लेकर तो आगे माइनस है तो साइन चेंज कर देना, दैट्स द माइनस का आर स्क्वायर, दैट्स द माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ट्वाइस ऑफ ए आर, फर्दर सॉल्व करेगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा बेटा, तो आंसर क्या पहुंचा बेटा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में फोर ए आर, फोर ए आर अपॉन में ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि बेटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब इस वैल्यू को बेटा हम फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं और बड़ा सोच सोच के लिखना है, रटना कहीं भी नहीं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट लिखें तो इसका वैल्यू क्या है बेटा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो 4 a r है इस वाले 4 a r को वी कैन से बेटा ट्वाइस ऑफ a और इनटू में ट्वाइस ऑफ r अपॉन में साथ में दैट्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब देखो बेटा इसके अंदर आपको दिख गया होगा कि दैट्स अ क्यू इनटू में ट्वाइस ऑफ ए दैट्स अ पी यानी कि दैट्स अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो मैं इसे लिख के यहां पहुंच गया दैट्स अ पी और दैट्स अ 2r तो दैट्स अ 2pr, फिर समझो दैट्स अ 2pr अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दैट्स द आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पर इसे भी और सॉल्व करूंगा, डेरिवेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, प्रॉब्लम था बेटा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपने सबसे पहले क्या माना डाइपोल और डाइपोल का नाम क्या रखा ep और लंबाई कितना माना ट्वाइस ऑफ a, फिर आपने एक पॉइंट P माना ऑन द एक्सियल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट, फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो वहां पे क्या रखूं डिस्चार्ज कुरंट दो और दास को पकड़ लो, तो आपने डिस्चार्ज को रखा तो ये इसको रैपल करेगा और ये इसे पकड़ के खींचेगा, तो दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन निकल गया, अमाउंट फाइंड करेगा तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो ए वाले का चार्ज और ए से डिस्टेंस, बी का निकालेगा तो बी वाले का चार्ज और बी से डिस्टेंस, तो यहां पे देख गया कि दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन तो मुझे माइनस ही करना है और माइनस करूंगा तो ज्यादा में से कम करूंगा, तो देखो बेटा आपने डेरिवेशन फाइंड करा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट्स अ 2 पी आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन
नॉट और डेट्स का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको बहुत डीप समझना क्योंकि यही से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल डेट्स टू पी आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डेट्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सोचो यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर किसके एक्सियल पे है, फॉर द डाइपोल तो डेट्स माइनस ऑफ क्यू डेट्स प्लस ऑफ क्यू और डेट्स टेकन ट्वाइस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पर प्रैक्टिकली सोचो डाइपोल का मतलब दो चार्ज दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेट बाय द सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, यही बोला था। फिर मैंने ये भी कहा था कि इनके बीच में जब तक अट्रैक्शन है तब तक डाइपोल है, अट्रैक्शन खत्म तो डाइपोल खत्म, और अट्रैक्शन तभी होगा व्हेन द ट्वाइस ऑफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल। फिर समझ लो इसमें जब तक अट्रैक्शन है तब तक डाइपोल होगा, अट्रैक्शन खत्म तो डाइपोल खत्म। तो कंफर्म ट्वाइस ऑफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल। ट्वाइस ऑफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल तो ए तो मर जाएगा यार, ए क्या बनेगा वेरी 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 स्मॉल, यानी ट्वाइस ऑफ ए वेरी वेरी स्मॉल है तो ए क्या हो जाएगा और भी स्मॉल हो जाएगा। और इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन द ट्रम ऑफ ए इज नेगलेक्टेड। ए को नेगलेक्ट क्यों करा, अगर नहीं आया तो फिर दोबारा समझ लो। ये आंसर भी देखते हैं पर जनरली हम न्यूमेरिकल्स में कोई और फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने बोला डाइपोल और डाइपोल का नाम डाइपोल तभी तक आएगा जब तक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन खत्म तो डाइपोल खत्म, और अट्रैक्शन तभी रहेगा जब ट्वाइस ऑफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ट्वाइस ऑफ ए वेरी वेरी स्मॉल है तो ए और भी स्मॉल हो जाएगा, और भी स्मॉल होगा तो इस टर्म को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको अगर हम यहाँ से नेग्लेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ पी आर अपॉन मी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को ऐसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो सिंपल आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि आर का पावर फोर, इससे वैल्यू कट हो जाएगा क्यूब बचेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल डेट्स अ ट्वाइस ऑफ पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और डेट्स द आर क्यूब। बिल्कुल रट जा टॉपिक को। डेट्स द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में अक्सर आता भी है और नहीं भी आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा जो आपको मिला। देखो बेटा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द ट्वाइस ऑफ पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और डेट्स द आर ऑफ क्यू। फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पर यहाँ से जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन सुना रहा हूँ, उस क्वेश्चन को समझना एक बार। मुझे डाइपोल मेंशन है, सॉरी मुझे डाइपोल ऐसे बेटा मेंशन होगा और जो जो कहा गया उन वर्डों को मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेट्स माइनस ऑफ क्यू डेट्स प्लस ऑफ क्यू और लंबाई कितना मानेगा बेटा ट्वाइस ऑफ ए डेट्स डाइपोल डेट्स ए बी डेट्स पॉइंट ऑफ पी डेट्स पॉइंट ऑफ पी एट डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर एट दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट। ये आधार क्वेश्चन का और यहाँ पे जो अमाउंट निकला वो आपके सामने है, डेट्स अमाउंट। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि व्हाट्स द डायरेक्शन, रटना मत क्वेश्चन को लिख लेना, क्वेश्चन पूछेगा बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब तक क्वेश्चन ना आए क्वेश्चन मत करना। अमाउंट आप लोगों ने फाइंड कर लिया और उससे क्वेश्चन घुमाया, उसका क्वेश्चन था व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो आपने पढ़ा हुआ है उससे हटो मत, वही दास पकड़ के रखो, पूरे चैप्टर में दास पढ़ाऊंगा। अगर हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे हम किसको रखते हैं टेस्ट चार्ज, इस वाले टेस्ट चार्ज को हमने प्लेस कर दिया। अब इस टेस्ट चार्ज को अगर हम प्लेस करेंगे तो बी वाला इसको रेपर करेगा तो डेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, और ये वाला पकड़ के खींचेगा तो डेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। मेरे ख्याल से लॉजिकली आगे होगा डेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी और डेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। और आपको अभी समझाया था कि अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी वाले का ज्यादा होगा और ए वाले का कम होगा क्योंकि इसका बी वाले का सेपरेशन कम है और ए वाले का सेपरेशन ज्यादा है।
तो खुद दिमाग लगाओ ये ज्यादा और ये कम, तो जो नेट होगा वो इस तरफ कोई तो आएगा, दैट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई बी माइनस का ई, हमेशा ज्यादा में से कम को ही माइनस करते हैं, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे पूछे कैसे, तो भैया से थोड़ी बोलेगा कि दैट्स द डायरेक्शन, तो आपको समझाया कि सर दैट्स द डायरेक्शन, इसको एग्जाम में क्या डिफाइन करेगा, प्रैक्टिकली सोच दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन इज सेम, इसका बेटा सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आदो के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैंने आपको उसका आंसर समझा दिया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही बोला मैंने, फिर बोल देता हूं, the direction of electric field intensity on the axial line is same as the direction of electric dipole। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं इसे उल्टा कर दूं, तो उल्टा करके अपने हाथ से निकालोगे तब भी वही आंसर बोलेगा जो मैंने आपको बोला है, अगर आप इसे उल्टा करेंगे तब भी बिल्कुल सेम बनेगा बेटा, लगाएं बुद्धि, दैट्स माइनस ऑफ क्यू, दैट्स प्लस ऑफ क्यू, और यहाँ सा पॉइंट ऑफ पी, और यहाँ पे क्या प्लेस करेगा टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज क्या करेगा आप यहाँ बोले, ये इसको पकड़ के खींचेगा, ये इसको पकड़ के धक्का मारेगा, बिल्कुल देख क्या होगा इस वाले डायग्राम में, दैट्स द ए और दैट्स द बी, तो दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी और दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये सेपरेशन कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बी वाले का ज्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले का कम, इस पर ये ज्यादा और ये कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को आ गया, इस तरफ को, और अगेन दैट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप इसे कैसे भी कर लो आंसर वही बनेगा, the direction of electric field intensity on the axial line is the same as the direction of electric dipole। इसके ऊपर 12th क्लास में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं।